आमतौर पर टीचर और स्टूडेंट का जिक्र आते ही ध्यान क्लास और एक कॉलेज की तरफ जाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं है। सड़क किनारे शनिवार को एक अनूठी प्रतियोगिता हुई, जिसमें टीचर और स्टूडेंट हाथों में पेंट ब्रश लेकर ठेला गाड़ी की पुताई करते नजर आए। राह चलते लोगों ने जब उन्हें देखा तो पहले वे भी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हुआ पूरा माजरा समझ में आ गया। दरअसल इंदौर में पथ विक्रेता ठेला गाड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता शनिवार को आयोजित हुई। बंगाली चौराहे के पास पथ विक्रेताओं के लिए नया हॉकर्स जोन बना है, जिसकी जल्द ही शुरुआत होने वाली है। यहां पथ विक्रेता अपनी ठेला गाड़ी लगाकर यहां सामान बेच सकेंगे। बंगाली ब्रिज के नीचे हॉकर्स जोन तैयार हुआ है, यहां बकायदा नंबर भी डाले गए हैं। सोशल कनेक्ट के लिहाज से पेंटिंग कंपटीशन रखी गई, जिसमें करीब 15 स्कूलों के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट हाथ में पेंट ब्रश लेकर ठेलों को अलग अलग रंग से रंगते नजर आए। कई कलाकृतियां भी स्टूडेंट ने ठेलों पर इस दौरान बनाई। उनके साथ स्कूल के टीचर भी ठेला गाड़ियों की पेंटिंग करते नजर आए। नगर निगम की ओर से यह कंपटीशन रखी गई। रिंग रोड चौराहे स्थित बंगाली ओवरब्रिज हॉल ही में शुरू हुआ है, जिसके बाद ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जगह के उपयोग को लेकर पिछले कुछ समय से नगर निगम अधिकारियों में विचार विमर्श चल रहा था। यहां गेम जोन बनाने पर भी बातचीत हुई। फिलहाल सड़क किनारे ठेला लगाने वाले पथ विक्रेताओं को यहां शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है, ये पथ ठेला विक्रेता जो होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, उनके लिए है। और इसमें जो है वो कम्युनिटी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न स्कूलों के जो बच्चे हैं, 15 स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी का और बच्चों का एक जुड़ाव भी हो जाए। ये बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं, उनकी कार्ड को पेंट कर रहे हैं और ये एक सहयोग दे रहे हैं और उन्हें एक मैसेज भी दे रहे हैं कि उन्हें एक सिस्टमेटिक एरियाज में, जहाँ पर निगम अलॉट करती है, वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाकर अपना बिजनेस करना चाहिए। यही